Yes, have a look, everyone. In our last class, we have discussed about law of demand. Law of demand में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे there will be an inverse relationship between price and quantity demanded. And we have discussed the assumptions of law of demand and also the table and diagram. We have completed this part. अब आगे देखिए, ये important facts भी हमने पढ़ लिए थे. This part is out of your syllabus. The derivation of law of demand, we need not to discuss it. Right? In class 11, we need not to discuss the derivation of law of demand. Give me a second. Now today we will discuss the various reasons for law of demand. क्यों हम law of demand पढ़ते हैं, क्या reasons है law of demand पढ़ने के, ये हमें अभी पढ़ना है. Law of demand हमें बताता है कि price और quantity demanded में inverse relationship है, right? Now what we will discuss कि ये inverse relationship क्यों exist करता है. हमने ये तो पढ़ लिया कि inverse relationship है, हमें पढ़ना है कि ये इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट क्यों करता है. अब देखिए, इसको पढ़ने के लिए हमें 5 पॉइंट्स है. 5 में से फर्स्ट पॉइंट अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में नहीं आएगा, तो हमें फर्स्ट पॉइंट को स्किप करके चलना है. जब हम इन 5 पॉइंट्स को पढ़ेंगे, जब आप लिखेंगे, तो आपको ध्यान रखना है दैट यू हैव टू स्किप द फर्स्ट पॉइंट. आपको उस फर्स्ट पॉइंट को अभी नहीं करना है. सो हैव अ लुक. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, बस इसको छोड़ के बाकी सारे पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं. पहले हम समझते हैं कि हमारा टॉपिक है क्या. हमारा टॉपिक है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप क्यों है, क्यों ऐसा होता है कि प्राइस के इंक्रीज होते ही क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाती है. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस इनवर्स रिलेशनशिप, ये हमें यहाँ पे पढ़ना है. ठीक है, क्या रीजन है इस इनवर्स रिलेशनशिप के बीच में. तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जितना भी इनवर्स रिलेशनशिप है, ये एग्जिस्ट करेगा 5 इंपॉर्टेंट रीजंस की वजह से. और जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे आप पढ़ने वाले हैं, मोहक यू कैन लीव द क्लास, आई एम नॉट अलाउइंग यू टू डिस्टर्ब माय क्लास, यू कैन लोअर डाउन योर हैंड. चलिए देखिए, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ अगर हम बात करें तो जब भी प्राइस इंक्रीज होगी, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगा, और जब भी प्राइस डिक्रीज होगी, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगा. राइट, ये हमें पढ़ना है. और हमें पढ़ना है ऐसा क्यों होगा. तो आप ये ध्यान रखिए, हम अपकमिंग जो 4 पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं, उन 4 पॉइंट्स में क्या रहेगा, आपको एक ही बात रखनी है. आपको ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी को हम करते हुए चलेंगे डिक्रीज. हम ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी को फॉल करेंगे और हम ये शो करेंगे कि इसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती है. हम अपकमिंग जितने भी पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, उन सभी पॉइंट्स में हम ओन प्राइस को डिक्रीज करके क्वांटिटी डिमांडेड को इंक्रीज करेंगे और समझेंगे ऐसा क्यों हुआ है. तो सबसे पहले देखिए, हम पॉइंट पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. क्या है आपके पॉइंट का नाम, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. Have a look, substitution effect क्या कहता है? बहुत सिंपल और रियल लाइफ से रिलेटेड पॉइंट है ये. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमें सिंपल सी बात कह रहा है कि when price of a commodity falls, the commodity becomes cheaper as comparative to its substitute goods. जैसे आपकी कमोडिटी जैसे ही सस्ती हुई, आपकी कमोडिटी की रेट जैसे ही कम हुई, वो कमोडिटी आपके जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है उनके कंपैरेटिवली चीप हो जाएगी, और चीप होने की वजह से लोग उसको ज्यादा परचेज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आप देखिए ध्यान से, कोलगेट है, पेप्सोडेंट है. हमें बात करनी है कि कोलगेट की प्राइस कम हुई तो कोलगेट की क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हुई. ऐसा क्यों हुआ, इसकी बात करनी है. तो क्या ऐसा होगा कि जब कोलगेट की प्राइस डिक्रीज होगी तो पेप्सोडेंट वाले कंज्यूमर भी कोलगेट को परचेज करना प्रेफर करेंगे. शो मी अ थम्स अप अगर आपको ये बात समझ में आए.
कि जैसे ही कोलगेट की प्राइस कम हो जाएगी, कोलगेट विल बिकम चीप इन कंपैरिजन टू इट्स सब्स्टिट्यूट. देयरफॉर कस्टमर्स ऑफ पेप्सोडेंट विल स्टार्ट परचेजिंग कोलगेट, राइट? वो किस पे आ जाएंगे? कोलगेट पे आ जाएंगे. तो इट मीन्स कोलगेट के सस्ता होते ही क्या होगा, कोलगेट की मार्केट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी. वाई? बिकॉज द कस्टमर्स ऑफ सब्स्टिट्यूट विल नाउ स्टार्ट परचेजिंग दिस कमोडिटी. देखिए यहाँ पे जरा क्या नोटेड डाउन है, पढ़ते हैं हम इसको. Substitution effect refers to substituting one commodity in place of other when it becomes relatively cheaper. Substituting one commodity in place of other, एक को दूसरे की जगह यूज करना जब वो दूसरी कमोडिटी चीप बन गई. बहुत सारे बच्चे इसको आंसर लिखते टाइम एक मिस्टेक कर देते हैं, वो ये, वो सब्स्टिट्यूट की प्राइस को इंक्रीज कर देते हैं. यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड कि हम पढ़ रहे हैं ओन प्राइस के फॉल होने से सब्स्टिट्यूट की डिमांड पे क्या इंपैक्ट होगा, हमारी डिमांड पे, नॉट ऑफ सब्स्टिट्यूट. सो हैव अ लुक क्या लिखा हुआ है, इसको थ्योरिटिकली समझिए. व्हेन द प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी फॉल्स इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर एज कम्पेयर टू इट्स सब्स्टिट्यूट. हमने अज्यूम किया है दैट देर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड. As a result, demand for the given commodity rises. उसी commodity की price कम हो रही है और उसी commodity की demand increase हो जाएगी. Example देखिए जरा. If price of a given commodity falls with no change in price of its substitute, then Pepsi will become relatively cheaper and it will be substituted for Coke. ये कह रहे हैं अगर Pepsi, suppose given commodity Pepsi है, इसकी price कम हो गई और कोक की प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, अब पेप्सी कोक की कंपैरेटिवली चीप हो गई, सो देयर विल बी राइज इन प्राइस ऑफ, सॉरी, राइज इन डिमांड ऑफ पेप्सी बिकॉज इट हैज बिकम चीपर इन कंपैरिजन टू इट्स सब्स्टिट्यूट. किस किस को समझ में आ गया है, बी क्विक, शो मी अ थम्स अप. इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, दैट्स ग्रेट. सभी को समझ में आ गया है? वेरी गुड. चलिए आगे बढ़ते हैं. हैव अ लुक. नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहे हैं इनकम इफेक्ट. क्या हम यहाँ पे इनकम चेंज कर सकते हैं? डेफिनेटली नो. लॉ ऑफ डिमांड ने कहा है इनकम ऑफ कंज्यूमर विल रिमेन द कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी. तो इनकम इफेक्ट क्या कह रहा है, हैव अ लुक एवरीवन. जब हम इनकम की बात करते हैं तो इनकम को दो टर्म्स में देखा जाता है, इनकम को दो टर्म्स में देखा जाता है. एक बार हम कहते हैं मनी इनकम और एक बार हम कहते हैं रियल इनकम. मनी इनकम और रियल इनकम. अब ध्यान से सुनिए, मनी इनकम का मतलब है आपकी इनकम रुपीज में. मेरे पास अगर 100 रुपीज है, If I am having 100 rupees, तो 100 rupees मेरी money income है, मेरे पास available money है, ठीक है? अब अगर मैं इसी 100 rupees को show करती हूँ मेरी purchasing power के form में, तो ये बन जाएगी real income. कैसे? समझिए ध्यान से. अगर मैं कहूँ I want to purchase dairy milk priced at rupees 25, dairy milk खरीदना चाहती हूँ जो एक dairy milk 25 rupees की है, तो 100 रुपीज मेरे लिए कितने डेयरी मिल्क परचेज करके दे सकते हैं मुझे, 4 units. कैसे निकाला, 100/25, 100 रुपीज में मैं कितनी डेयरी मिल्क परचेज कर पाऊंगी, 4. तो यहाँ मेरी रियल इनकम है 4 डेयरी मिल्क, मेरी इनकम की परचेजिंग पावर है 4 डेयरी मिल्क, मैं कितनी परचेज कर सकती हूँ, 4. क्या आपको मनी इनकम और रियल इनकम का कंसेप्ट समझ में आया? मनी से ही रियल है, बट रियल किस टर्म्स में, क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो आप परचेज कर सकते हो. अब बहुत ध्यान से मुझे देखिए, एग्जाम्पल बताइए और समझिए. 100 रुपीज मेरे पास पहले थे, 100 ही अभी है, पहले डेयरी मिल्क 25 की थी तो मेरी परचेजिंग पावर थी 4 units की. अब वही 25 वाली डेयरी मिल्क सस्ती हो गई है और उसकी प्राइस हो गई है 20 रुपीज. चलिए, क्या अब आप सेम 100 रुपीज में पहले से ज्यादा परचेज कर सकते हैं? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी रिड्यूस्ड, क्या इस रिड्यूस्ड प्राइस के साथ अब आप 5 डेयरी मिल्क परचेज कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली यस.
तो ये आपको बताना चाहेंगे इनकम इफेक्ट में दैट व्हेनेवर देयर इज अ फॉल इन प्राइस ऑफ कमोडिटी कंज्यूमर की परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाती है. पैसा तो उसके पास अभी भी उतना है, आपकी पॉकेट मनी अगर 100 थी तो 100 ही है, बट अगर डेरी मिल्क की रेट कम हो गई है तो इट मीन्स विद द सेम 100 रुपीज यू विल बी एबल टू परचेज मोर ऑफ द कमोडिटी. दिस विल बी ट्रीटेड एज रियल इनकम इफेक्ट. और देखिए इसको क्या लिखा हुआ है, income effect refers to the effect on demand when real income of consumer changes due to change in price of the given commodity. जब किसी commodity की price change होती है और उसके change होने की वजह से demand change हो जाती है तो उसको कहते हैं income effect, real income change होने की वजह से. real income क्या है, income की purchasing power. एक example के साथ पढ़िए. when price of the given commodity falls it increases the purchasing power of the consumer. As a result, he can purchase more of the given commodity with same money income. वो same money income में पहले से ज़्यादा purchase कर सकता है. Example given है, देखिए. Suppose Isha buys 4 chocolates for rupees 10 each with her pocket money of 40. Isha के पास कितने rupees थे? 40. और जो chocolate वो purchase कर रही थी वो कितने rupees की थी? 10. तो वो उसकी purchasing power है 4 chocolates की. अब उसके पास पैसा तो अभी भी 40 रुपीज है बट द प्राइस ऑफ चॉकलेट फॉल्स टू रुपीज 8. अब विद द सेम रुपीज 40 वो कितना परचेज कर सकती है, 40 डिवाइडेड बाय 8 हमें पता चलेगा शी विल बी एबल टू परचेज 5 यूनिट्स. अगर प्राइस 5 हो जाती है तो वो 10 यूनिट्स परचेज कर पाएगी. इट मीन्स इनकम की परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाती है विद अ फॉल इन प्राइस ऑफ कमोडिटी. इज इट ओके टू एवरीवन? Show me a thumbs up. We have completed 2 reasons behind law of demand. Reason, substitution effect and income effect. Anyone, any confusions? I guess no. Well and good. चलिए आगे बढ़ते हैं. Next देखिए. Additional customers. जब कोई चीज सस्ती होती है, जब किसी कमोडिटी की प्राइस फॉल होती है तो उस कमोडिटी के एडिशनल कस्टमर्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं. आप देखिए, जब पहले मोबाइल फोन कॉस्टली हुआ करते थे तो वो कम लोगों के बजट में फिट होते थे, लेकिन जैसे जैसे चाइनीज फोन्स आने की वजह से टच स्क्रीन फोन 3000-4000 में भी अवेलेबल होने लगे तो इन्हीं मोबाइल फोन्स की डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई. क्या होता है, जब कोई कमोडिटी थोड़ी सी चीप होती है तो वो बहुत सारे लोगों के बजट में सेट हो जाती है, और जब वो लोगों के बजट में सेट हो जाती है तो लोग उसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं. एक एग्जांपल के साथ समझिए. सपोज एक बहुत पुअर फैमिली की बात करते हैं, ठीक है, जिनके घर पे टीवी तो है बट वो टीवी में सिर्फ दूरदर्शन देखते हैं, सेट टॉप बॉक्स कनेक्शन उन्होंने नहीं लगा रखा है, क्योंकि मंथली एक्सपेंस कितना जुड़ जाता है उसमें, 300 रुपीज. सपोज COVID-19 ने इनकी सिचुएशन थोड़ी सी वर्स्ट कर दी है. गिव मी अ सेकेंड. यस, सपोज कोविड से इस फैमिली की सिचुएशन थोड़ी सी खराब हो गई. अब इनकी मंथली अर्निंग इतनी होती है जिसमें ये कितना सेव कर पाते हैं, 200 रुपीज. ये पर मंथ 200 रुपीज ही सेव कर पाते हैं, तो ये 300 रुपीज का जो मंथली एक्सपेंस है ये इनके बजट में सेट नहीं होता, इसलिए ये इस कमोडिटी की डिमांड नहीं करते. बट आप देखिए, अगर ये सेट टॉप बॉक्स की रेट रिड्यूस होके मंथली चार्जेस उसके 120 हो जाएंगे तो क्या ये कस्टमर और ये फैमिली इस चीज को अफोर्ड कर पाएगी? डेफिनेटली यस, इनके जैसे बहुत सारे लोग उसको अफोर्ड कर पाएंगे. तो ये आपको बताना चाह रहे हैं दैट व्हेनेवर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स द कमोडिटी फिट्स इन द बजट ऑफ मेनी कंज्यूमर्स हु वर प्रीवियसली नॉट एबल टू परचेज द कमोडिटी बिकॉज ऑफ इट्स हाई प्राइस. तो लो होते ही वो कुछ फैमिलीज, जो लो इनकम ग्रुप की फैमिलीज है, उनके बजट में सेट हो जाएगी, और जैसे ही बजट में सेट हो जाएगी वो उस कमोडिटी को परचेज करना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में एक अच्छा खासा राइज आ जाएगा. हैव अ लुक व्हाट इज रिटन ओवर हियर. एडिशनल कस्टमर्स व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स many new customers who were not in the position to buy it earlier due to its high price starts purchasing it.
बहुत सारे कंज्यूमर जो पहले नहीं खरीद सकते थे अब वो उसको खरीदना शुरू कर देंगे। न्यू कस्टमर के साथ साथ हो सकता है कुछ पुराने कंज्यूमर भी उसको ज्यादा खरीदे, जिसकी वजह से उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। एग्जाम्पल देखिए, इफ प्राइस ऑफ आइसक्रीम फैमिली पैक फॉल्स फ्रॉम ₹100 to ₹50 पर पैक, देन मेनी न्यू कंज्यूमर्स हु वर नॉट इन अ पोजीशन टू अफोर्ड द आइसक्रीम अर्लियर कैन बाय इट विद डिक्रीज इन इट्स प्राइस। मोर ओवर द ओल्ड कस्टमर्स ऑफ आइसक्रीम कैन नाउ कंज्यूम मोर, एज अ रिजल्ट इट्स टोटल डिमांड इंक्रीजेस। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ गया? एडिशनल कस्टमर्स, लास्ट वन, डिफरेंट यूजेस। आप अपने भाई बहन से पूछिएगा, अगर मैं बात करूं 90s बॉर्न, अगर आपके घर पे कजन्स हैं 1997 से पहले बॉर्न, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि जब भी वो पहले इंटरनेट यूज करते थे तो उनको पर आर कितना पेमेंट देना पड़ता था? ₹10 का। वो साइबर कैफेज में जाके इंटरनेट यूज करते थे और उनको पर आर पेमेंट देना पड़ता था ₹10 का, यानी इतना चीप नहीं हुआ करता था इंटरनेट। अब तो हमें ₹10 में पूरे दिन अनलिमिटेड डेटा मिल जाता है, पर पहले नहीं हुआ करता था ऐसा, राइट? तो पहले क्या होता था, इंटरनेट को लिमिटेड पर्पज के लिए यूज किया जाता था, यानी जब कोई चीज कॉस्टली है तो कंज्यूमर उसको सिलेक्टेड पर्पज के लिए यूज करेगा, ओनली सिलेक्टेड। लेकिन जैसे ही उसकी प्राइस फॉल होगी, कंज्यूमर क्या करेगा, उस कमोडिटी के यूजर्स को इंक्रीज कर देगा। अब हम इंटरनेट के यूजर्स बढ़ा चुके हैं, तो सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है। देखिए, डिफरेंट यूजर्स, ये कह रहे हैं कुछ कमोडिटीज के बहुत सारे यूजर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मिल्क, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, ठीक है, इनके सेवरल यूजर्स है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और कुछ जनरल होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी सबसे इंपॉर्टेंट यूज है, लाइट और फैन और चार्जिंग, राइट, और रेफ्रिजरेटर, टीवी, ये सब। अदर यूजेस क्या है, इंडक्शन गैस यूज कर ले, अदर इंडक्शन अगर हम यूज करेंगे तो, इसके अलावा जनरेटर यूज, ये हम गीजर्स यूज करें तो वो एक्स्ट्रा यूजेस में आते हैं, वो बेसिक यूजेस नहीं है। एसी हम अपने घर पे लगा रहे हैं, एक्स्ट्रा यूज में है। तो ये एक्स्ट्रा यूज कंज्यूमर कब करते हैं, जब उस चीज की प्राइस थोड़ी सी फॉल होती है। तो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, When price of such goods fall, जैसे मिल्क की प्राइस, अगर पहले राइस का बता रखा है, when price of such goods increases, its uses get restricted to most important purpose. मिल्क की प्राइस बढ़ जाएगी तो ये सिर्फ इंपॉर्टेंट पर्पस के लिए यूज किया जाएगा, एंड डिमांड फॉर लेस इंपॉर्टेंट यूजेस गेट रिड्यूस्ड। लेकिन जब प्राइस डिक्रीज होती है तो कंज्यूमर उसको अलग अलग यूजेस में डालने लगता है और उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। इज इट ओके टू एवरीवन? We have discussed four reasons behind law of demand. I'm re-explaining the reasons to you. Have a look, everyone. The first one was substitution effect. सुनिएगा ध्यान से, आपको क्या लिखना है? When price of a commodity decreases, it becomes cheaper in comparison to its substitute. Therefore, consumer starts demanding more of the commodity because the consumers who were previously purchasing the substitute product will now prefer to purchase the commodity. Colgate or Pepsodent का example ध्यान रखिए, Colgate की price कम हो गई तो अब जो customer Pepsodent purchase करते थे वो भी किसको purchase करना शुरू कर देंगे? Colgate को, जिसकी वजह से Colgate की quantity demanded क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, राइट? फिर हमने पढ़ा इनकम इफेक्ट, कंज्यूमर की मनी इनकम चेंज नहीं होती है, बट कंज्यूमर की रियल इनकम, दैट इज द परचेजिंग पावर ऑफ इनकम, ये बढ़ जाती है। और जैसे ही कंज्यूमर की इनकम की परचेजिंग पावर बढ़ती है, कंज्यूमर उस चीज की डिमांड बढ़ा देता है। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंट यूजर्स, पहले हमने पढ़ा था इंक्रीज इन कस्टमर्स, है ना, मोर कस्टमर्स पढ़ा था क्या, इंक्रीज इन एडिशनल कस्टमर्स है आपकी बुक में। तो एडिशनल कस्टमर्स, जैसे ही कोई चीज सस्ती होती है, बहुत सारे लोगों के बजट में सेट हो जाती है, तो एडिशनल कस्टमर्स ऐड होते ही डिमांड इंक्रीज। एंड डिफरेंट यूजेस, कॉस्टली होता है कोई प्रोडक्ट तो उसको सिलेक्टेड यूज में हम डालते हैं, जैसे ही वो थोड़ा सा चीप होता है हम उसके यूजेस को इंक्रीज कर देते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सेप्शंस। कुछ कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जहां हम लॉ ऑफ डिमांड को अप्लाई नहीं कर सकते।
कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जहां लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है, यानी प्राइस के डिक्रीज होने पे डिमांड नहीं बढ़ती, या फिर मैं कहूँ कि प्राइस इंक्रीज होने पे डिमांड डिक्रीज नहीं होती। कंज्यूमर प्राइस को इग्नोर ही कर देता है, कंज्यूमर प्राइस के बारे में सोचता ही नहीं है, कोई भी प्राइस रहे वो उस कमोडिटी को परचेज करना प्रेफर करता है। ऐसी कौन सी सिचुएशंस हो सकती है? चलिए मैं आपके सामने एक कमोडिटी लिखती हूँ, सॉल्ट। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, नमक सस्ता हो गया, क्या करेंगे हम? अगर सॉल्ट थोड़ा सा चीप हो गया तो हम क्या करेंगे? दिमाग लगा लिया होगा, क्या हम उसकी डिमांड चेंज करेंगे? डेफिनेटली नो। मम्मी हमें ज्यादा नमक वाला खाना नहीं खिलाएगी कि चलो नमक सस्ता हो गया, सब्जी में एक चम्मच की जगह दो चम्मच डाल देते, आज दो चम्मच नमक वाला खाना खा लो। डेफिनेटली नहीं, ऐसा नहीं होता है। अच्छा आप बताइए, सॉल्ट कॉस्टली हो गया, महंगा हो गया, तो क्या मम्मी सब्जी में कम नमक डालेगी या बिना नमक की सब्जी बनाना शुरू कर देगी? ऐसा भी नहीं हो सकता। ये चीजें भले इनकी प्राइस चेंज हो, इनके डिमांड पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है जो अभी हम नीचे पॉइंट के साथ पढ़ेंगे। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल आपको देती हूँ। आप इमेजिन कीजिए कि सॉरी पंकज, आई वॉन्ट बी एबल टू अनम्यूट यू, यू हैव टू आस्क मी योर डाउट पर्सनली। यस, हैव अ लुक। आप देखें, एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं, ठीक है? सपोज आपका आप रेलवे स्टेशन से आए हैं, आपकी ट्रेन रात को 2:30 पे बीकानेर रेलवे स्टेशन पे पहुंचती है, 2:30 पे। आपके घर पे लॉक है, आप सारे ही बाहर थे, घर पे लॉक है। अब आपको कैब करके या ऑटो करके, कैब हमारे बीकानेर में बेसिकली सिटी एरिया में नहीं चलती है ना, रेलवे स्टेशन तक आई डोंट थिंक की कैब फैसिलिटी अवेलेबल है। तो आपने क्या किया, आपने ऑटो बाहर गए, रेलवे स्टेशन के बाहर तो ऑटो ही ऑटो खड़े होते हैं, आपके पास यही एक ऑप्शन था, आप गए। जनरली अगर स्टेशन से आपके घर तक जाते हैं तो ऑटो के लगते हैं 100 रुपीज। अभी ठंड का टाइम है और आपके पास लगेज भी ज्यादा है, ऑटो वाला आपको कह रहा है 300। अब अगर हमारे पास लगेज ज्यादा है और हम वेटिंग रूम में वेट नहीं कर सकते, तो क्या हम प्राइस को देखेंगे? डेफिनेटली नो। हाई प्राइस पे भी हमें डिमांड करनी ही पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन है। आप सोचिए किसी एक मेंबर की तबीयत खराब है, अभी ऑक्सीजन सिलेंडर्स के साथ ऐसा हुआ था, जो नॉर्मली हॉस्पिटल में 2000 में ऑक्सीजन मिल रहा है, उसको 60,000 में भी सेल आउट किया गया है। तो क्या 60,000 पे उसकी डिमांड लो रही थी या हाई रही थी? डेफिनेटली हाई। प्राइस बढ़ा फिर भी डिमांड हाई रही, ये एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का। तो आज की क्लास में हमारा ये जो अभी टॉपिक है, ये इन एक्सेप्शन से रिलेटेड ही है। एक्सेप्शन क्या होते हैं? दीज आर द सिचुएशंस वेयर द लॉ डज नॉट ऑपरेट। सो हैव अ लुक। एज अ जनरल रूल, डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड शोइंग द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। हाउएवर, In certain special circumstances, कुछ हो सकता है, ऐसा कब होता है ये देखते हैं। नंबर वन, गिफ्ट गुड्स। गिफ्ट गुड्स क्या होते हैं ये जरा सा समझते हैं। नंबर वन, गिफ्ट गुड्स, गिफ्ट गुड्स बहुत ज्यादा पुअर क्वालिटी के गुड्स होते हैं। स्पेशल इंफीरियर गुड्स, यानी पुअर से भी पुअर क्वालिटी गुड्स, ऐसे गुड्स जो कंज्यूमर अपनी मजबूरी में खरीदता है, लो इनकम के साथ खरीदता है, ठीक है? इन गुड्स पे अगर इनकी प्राइस लो हो जाती है तो कंज्यूमर इनकी डिमांड भी कम कर देता है। उनको लगता है ये ऑलरेडी लो प्राइस के थे, पुअर क्वालिटी के थे, और प्राइस कम हो गई है, इसका मतलब इसकी क्वालिटी और खराब हो गई हो। जैसा कि सब्जी मंडी अगर आप गए हैं तो वहां पे आप देखेंगे वेंडर्स को रात के टाइम पे, अगर दिन में टमाटर 40 रुपए किलो मिल रहे हैं, इवनिंग तक 30 हो जाएंगे, और थोड़ी सी ज्यादा लेट होते ही हो सकता है 20 या 10 भी हो जाए। तो 10 वाले जनरली हम परचेज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो ऑलमोस्ट सारे खराब ही निकलेंगे।
वो एकदम गली हुई सब्जियां जो होती है उनको पता है कि ये पेरिशेबल है, कल तक तो ये एकदम डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो वो उसकी प्राइस को क्या करते हैं और लो कर देते हैं, तो ऐसे में उनकी डिमांड भी कम हो जाती है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गिपन पैराडॉक्स इंपॉर्टेंट है। गिफन गुड्स, दीज आर स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड। इंफीरियर हमने पढ़ा था ना, लो क्वालिटी प्रोडक्ट, तो ये भी स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स है। ऑन विच द कंज्यूमर स्पेंड्स अ लार्ज पार्ट ऑफ हिज इनकम एंड देयर डिमांड राइजेस विद इंक्रीज इन प्राइस एंड फॉल्स विद डिक्रीज इन प्राइस। प्राइस इंक्रीज होगी तो कंज्यूमर डिमांड भी इंक्रीज कर देगा, और प्राइस फॉल होगी तो कंज्यूमर उसकी डिमांड भी कम कर देगा। क्यों कम कर देगा? बाय अज्यूमिंग कि इनकी क्वालिटी और डेटेरियोरेट हो गई होगी और वो इसको परचेज नहीं करेगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, इन आर कंट्री इट इज ऑफन सीन दैट व्हेन प्राइस ऑफ कोर्स सीरियल्स लाइक ज्वार एंड बाजरा फॉल्स द कंज्यूमर हैव अ टेंडेंसी टू स्पेंड लेस ऑन देम एंड शिफ्ट ओवर टू सुपीरियर्स लाइक वीट एंड राइस। द फिनोमिनन इज पॉपुलरली नोन एज गिफन पैराडॉक्स was observed by Sir Robert Giffen. ये Giffen paradox है। Simple सी बात है, आपको बस इतना ध्यान रखना है, कुछ चीजें इतनी poor quality के होते हैं और इतनी low rate पे sell out हो रहे होते हैं कि जब उनकी rate थोड़ी सी और reduce हो जाती है तो consumer उसको खरीदना prefer नहीं करते। Consumers को लगता है कि इनकी quality और ज्यादा खराब हो गई होगी, और इसी quality खराब हो गई होगी मान के वो इस चीज की demand को कम कर देते हैं। बस बाकी सारे एक्सेप्शन सिंपल से हैं। एक्सेप्शन नंबर टू देखिए, स्टेटस सिंबल गुड्स और गुड्स ऑफ ऑस्टेंशन। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कुछ गुड्स ऐसे होते हैं कंज्यूमर परचेज करता है पर्टिकुलरली टू शो हिज रेप्यूटेशन एंड स्टेटस। वो क्या करता है, वो शो करना चाहता है कि वो सुपीरियर है बाकी सबसे। फॉर एग्जाम्पल आईफोन क्यों परचेज करते हैं लोग, अपना स्टेटस सिंबल शो करने के लिए। डायमंड की ज्वेलरी हम क्यों कहाँ पहन के जाते हैं जहां हम अपना स्टेटस शो कर सके, मार्केट में तो नहीं पहन के जाते ना। अगर हम आप सोचिए अगर हम सिर्फ शौक से पहन रहे होते तो हम मार्केट में भी पहन के जाते नेकलेसेस डायमंड की, नो हम उनको पहन के जाते हैं जहां हमें शो करना होता है दैट वी बिलोंग टू दिस स्टेटस। तो ऐसे में उन गुड्स को लोग तभी खरीदेंगे जब वो कॉस्टली होंगे। अगर उसकी रेट कम हो जाएगी तो सारे ही खरीदने लग जाएंगे, और जब सब कॉमन हो जाएगी अगर वो चीज तो रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी उसकी डिमांड को रिड्यूस कर देगा। सो हैव अ लुक व्हाट इज रिटन ओवर हियर। This exception relates to certain prestige goods which are used as a status symbol. For example, diamond, gold, antique paintings, etc. are bought due to the prestige they confer upon the possessor. जो prestige वो possessor को show करते हैं, जो goodwill वो show करते हैं. Such goods are demanded only because their prices are very high. बहुत सारे लोग होते हैं ना वो इसीलिए चीजें खरीदते हैं क्योंकि वो कॉस्टली है ताकि वो उनका स्टेटस शो कर सके। तो क्या कह रहे हैं, इफ देयर प्राइसेस फॉल दे विल बी नो लॉन्गर बी कंसीडर्ड एज स्टेटस सिंबल गुड्स एंड देयर डिमांड विल डिक्रीज। वो स्टेटस सिंबल गुड्स नहीं रहेंगे और उनकी डिमांड फॉल हो जाएगी। फियर ऑफ शॉर्टेज, आप सोचिए आज प्राइस इंक्रीज हो रही है, मैगी 12 रुपीज में आती है और 24 में आती है पैकिंग, राइट। सपोज न्यूज आ गई कि मैगी कंपनी जो है वो बंद ही हो रही है, मैगी तो हमारी फेवरेट है, अब कंपनी बंद हो रही है। ऐसे में हम क्या करेंगे, हम चाहेंगे जितनी भी मार्केट में है वो अभी ले लेते हैं। अब मैगी कंपनी ने ये अनाउंसमेंट किया कि हमारी कंपनी बंद तो हो रही है बट ओनली फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 4 months। आफ्टर 4 months हम वापस से अपनी कंपनी को रीस्टार्ट करेंगे और मार्केट में मैगी सप्लाई करना शुरू कर देंगे। जैसे ही ये न्यूज आएगी मार्केट में प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। अब ये जो 12 रुपीज वाली मैगी थी ये 15 की हो जाएगी, 24 वाली 30 की हो जाएगी। क्या आप कम परचेज करोगे या ज्यादा? डेफिनेटली ज्यादा। हमें ये डर लगेगा कि हमारी जो फेवरेट मैगी है जो हम हर हफ्ते कंज्यूम करते हैं अगर वो कॉस्टली हो जाए, अगर वो फ्यूचर में अवेलेबल ही नहीं होगी तो क्या होगा, इससे बेटर थोड़े से रुपए ज्यादा ही तो देना है, चलो अभी लेके परचेज कर लेते। तो जब कंज्यूमर को लगता है कि मार्केट में किसी कमोडिटी की शॉर्टेज होने वाली है तो वो हाई प्राइस पे भी उस कमोडिटी को ज्यादा कंज्यूम कर ले। वो प्राइस के बारे में नहीं सोचेगा, वो तो उसको कंज्यूम करना प्रेफर करेगा क्योंकि उसको पता है कि ये चीज बाद में अवेलेबल नहीं होगी। ऐसा पिछले अप्रैल और मई में हुआ था।
राइट, जब लॉकडाउन लगा था तो हम शॉर्टेज की वजह से हम ज्यादा कुछ खरीदते थे इवन एट हाई प्राइस. हमें लगता था आज पास वाली शॉप में चिप्स अवेलेबल है, कल होंगे भी या नहीं होंगे, तो लोग ज्यादा परचेज करना प्रेफर कर रहे थे. तो वही चीज यहाँ पे है. इफ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट अ शॉर्टेज और स्कैर्सिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी इन नियर फ्यूचर, देन दे वुड स्टार्ट बाइंग मोर एंड मोर ऑफ दैट कमोडिटी इन द करंट पीरियड, इवन इफ देयर प्राइसेस आर राइजिंग. प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो भी वो करंटली ज्यादा परचेज करेंगे. क्यों? बिकॉज दे नो अगर फ्यूचर के लिए उन्होंने अभी कंज्यूम नहीं किया तो फ्यूचर में उस कमोडिटी की डिमांड क्या हो सकती है, सॉरी उस कमोडिटी की अवेलेबिलिटी क्या हो सकती है, फिनिश हो सकती है. आगे देखिए एक और बात ये है कि कंज्यूमर को ये भी लग सकता है कि फ्यूचर में प्राइस भी और इंक्रीज हो जाएगी. फर्दर शॉर्टेज हुई तो प्राइस और इंक्रीज हो जाएगी, तो वो अब भी परचेज कर लेते हैं. नेक्स्ट, इग्नोरेंस. काफी बार कंज्यूमर हाई प्राइस पे सामान तब खरीद लेते हैं जब उनको पता ही नहीं है कि मार्केट में क्या प्राइसेस चल रही है. फॉर एग्जाम्पल, मेरे स्ट्रीट में फ्रूट वेंडर आया, उसने मुझे वाटरमेलन दिया 60 रुपीज केजी. अब मैं घर पे अकेली थी, मुझे पता ही नहीं है कि मार्केट में वाटरमेलन 30 रुपीज केजी में मिलता है, मुझे रेट का आइडिया ही नहीं है. अब जब मुझे रेट का आइडिया नहीं है तो मैं क्या करूंगी, 60 रुपीज पे भी परचेज कर लूंगी. यानी अगर कंज्यूमर को पता ही नहीं है कि प्राइस क्या प्रिवेलिंग है तो हो सकता है वो हाई प्राइस पे भी ज्यादा परचेज कर ले. नेक्स्ट, फैशन रिलेटेड गुड. काफी अपडेटेड है हम इससे. न्यू फैशन की ड्रेस आएगी तो वो कॉस्टली होगी, बट कॉस्टली है क्यों? क्योंकि अभी अभी ट्रेंड में आई है, अभी अभी न्यू फैशन की है, हमें तो वही चाहिए होती है. मम्मी कहती है मार्केट जाते तब ये वाली ले लो ज्यादा अच्छे. नहीं, ये न्यू फैशन है, लेटेस्ट फैशन है, हमें लेटेस्ट फैशन ही लेना है. लेटेस्ट फैशन हाई प्राइस पे होगा तो भी कंज्यूमर्स लेंगे. कोई चीज मार्केट में आई है नहीं तो